मैंने समाज के लिए समर्पित की है और लोगों के हृदय का प्रेम ही मेरी संपत्ति है, ये मानकर जीता। कल्पना करिए जरा सा, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उस हालात में कितनी करुण पीड़ा है, वेदनाएं हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, आहार नहीं है, शयन नहीं है, कई जगह तो ऐसी व्यवस्था है कि अंतिम समय तक डॉक्टर कहते रहे बेड रेस्ट है, लेकिन मातृशक्ति को सेवा देनी ही पड़ती है। एक पुत्र के जन्म में 20 हड्डियां एक साथ टूटने जितना पेन होता है, माँ उस बच्चे को जन्म देती है, माँ उस बेटी को जन्म देती है, लेकिन बुरा तब लगता है जब बेटा अपनी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ तेरी तबीयत कैसी है। आधुनिक युग बढ़ गया है, बच्चे कहते हैं, अभी हाल ही में बाहर गया था मैं, आउट ऑफ इंडिया, वहां पर मैंने देखा 2 बहुत अच्छे पैकेज से नौकरी कर रहे हैं, 2 का व्यवस्था बन गया कि भी हम विवाह करेंगे, लड़की गुस्से में कहती है आपके घर में कितने डस्टबिन हैं, तब दिल में दर्द हो जाता है कि जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया तुम उन्हें डस्टबिन नजर आते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, कैसा दर्द होता है, जागो मेरे भाई जागो। बूढ़ा बाप तड़पता बैठा होता है दर्द में, माँ को भोजन नहीं मिलता है और आप 10 रुपए का सेब एप्पल समोसा छिपा के ले जाते हो, और वो भी कोने से पत्नी के कमरे में, उसकी बद्दुआ से कभी सुखी नहीं रह सकते हो। अगर पूजना है तो माँ बाप के चरण पूज लो, तो मंदिर के जैसे तुम्हारी ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए हमको। जब एक माँ आंसू गिराती है, ऐसे ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो असहनीय है। अरे याद करो उस रामकृष्ण को जिसने पूर्व जन्म में सिर्फ वचन दिया और स्वयं पुत्र बनकर के चले आए सिर्फ मां के प्यार को पाने के लिए, और तुम इसे दुत्कार रहे हो। मुख में हरी हरी मन में खोटी भरी। आज सृजन की देवी भगवान की भी 2 पत्नियां मानी गई हैं, श्री हरि की, एक भू लक्ष्मी और एक श्री लक्ष्मी। आप उस नारी को क्या समझते हैं? आज अगर नारी नहीं होती तो राम नहीं होते, नारी नहीं होती तो कृष्ण नहीं होते, नारी होती नहीं तो हम ब्रह्मांडपुरी महाराज भी यहां नहीं होते और आपका भी अस्तित्व तो नहीं होता। इसलिए अगर आज शक्ति की पूजा करते हो मत जाओ मंदिर में, मैं कहता हूं मत जाओ मंदिर में, मत करो आरती मेरे भाई। अगर अपने माँ के पैर रोज छू करके उनकी दुआ ले लो, उससे बड़ी कोई शक्ति आपके लिए नहीं होगी, ये मेरा निवेदन है। एक बालक जा रहा है, लोगों ने पूछा, टीचर ने कहा स्वर्ग की मिट्टी लेके आना। आजकल तो फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 2 रुपए का मिश्री नहीं मिलेगा, मिलता है? सनातन कहता है अगर आपके अंदर हिंदुत्व का रक्त है, सनातन के हैं, ऋषियों की संतनत है, तो अगर आपके घर में गीता नहीं है, भागवत नहीं है, आरती उपासना अर्चना वंदना नहीं होती है,
और आप वो चीजों का भोग करते हो जो ठाकुर को पसंद नहीं, तो आप सनातनी कहने के अधिकारी भी नहीं हो महाराज, और सच्चे संत दरवाजे पे पैर नहीं रख सकते। पाखंडियों की बात मैं नहीं करता। जो हमारा दायित्व हम उसे नहीं समझ रहे, हमने क्या सीखा? लाइफ इज नेम इज लर्न एंड टीच। जिसने हमें जन्म दिया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास नहीं जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, और अंत में यही कहा गया कि जिससे तुमने जन्म लिया उससे सीख लो, और जिसे जन्म दोगे उसे छह चीजें सिखा देना, धन्य हो जाओगे। माता पिता की सेवा, वेदों के प्रति रुचि, अच्छे संस्कार, ट्रांसपेरेंट लाइफ, अच्छे विचार। अब तो अगर नए बच्चों से पूछा जाए कि बेटा, एक दिन तर्क कर दिया एक लड़के ने, महाराज जी आप रात दिन चिल्लाते रहते हो, मंदिर जाओ मिलता क्या है मंदिर में? लो, हमने कहा महाराज मंदिर में जाएं तो अर्चना होती है, वंदना होती है, पूजा होती है, शांति मिलती है। बाप जी मारे नथी जवानो त्या ए बद्दा गर्लफ्रेंड मारा कॉलेज न छे। मेरे कॉलेज में पूजा भी है, शांति भी है, अर्चना भी है, वंदना भी है। लो कब समझेंगे आप? अरे हमारे बच्चाओं को पढ़ाओ, नीति श्लोक पढ़ाओ उनको। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार व्यापारियों, पैसे के पीछे मत भागो। अगर संत हो तो जन जागृति करो, वैचारिक शुद्धता करो, निष्काम भाव से ला करके हर घरों में गीता का प्रचार करो। 5 लाख है तो कथा होगी, वाह। फिर यार एक बड़ी दुकान खोलकर बैठ जाते, वहां कांदा बटाटा बेचते, रिंगना बेचते, वो ज्यादा अच्छा रहता है, धर्म को क्यों बेच रहे हो? पढ़ाओ हमारे बच्चों को। हा? घर में शाहरुख खान की फोटी रखी है, सचिन तेंदुलकर की रखी है, कई घरों में तो बूढ़े माँ बाप जिनके घर में रहते उनकी फोटो नहीं लगाते, इतना दुर्दैव आ चुका है भारत में। उनकी संपत्ति पे आप राज कर रहे हैं, लेकिन आपके बाबा का फोटो आपके घर में नहीं हो सकता, सलमान खान का पहले आ जाएगा, इतना मॉरल। हमारे बच्चों को पढ़ाओ, नीति श्लोक पढ़ाओ। और आज मैं एक वादा करता हूं यहां बैठ करके, हर भाई हर बहन संकल्प ले, ज्यादा कुछ नहीं, अपने बच्चे को 5 नीति श्लोक और गीता के 2 श्लोक जरूर पढ़ाना, नहीं गीता और सीता का नामो निशा मिटा देंगे लोग, और ये बच्चे आपको कभी पानी नहीं पिलाएंगे, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इनको पढ़ाना है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, आलस्य से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन चल के नहीं जाता, भले वो जंगल का राजा। पढ़ाओ इनको। इन्हें पढ़ाओ, आलस्य कुतो विद्या या विद्यस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो विद्या या विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, आ मित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहां, आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहां, आ विद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन कहां, अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धन के मित्र कहां, और आ मित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख कहां। हमें पढ़ना है, हमें जानना है, अगर ये बदलाव आए तो भागवत कथा श्रवण का आनंद आए। हम कथा करते चले जाएं और बाद में पूछे गुरुजी कैसे रहे, बोले टाइम पास हो गया, फिर कथा से व्यथा दूर नहीं होगी ना। इसलिए निवेदन है, सात्विक आहार हो, सुंदर विचार हो, माता पिता पुत्र में अलौकिक प्यार हो, घर में वेदों का पाठ हो।
ठाकुर की चरणामृति उतारे, मस्तक पे तिलक लगाए और कुछ नहीं करें तो रोज सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चरण छू करके सूर्य को जल तो दे सकते हो, दे सकते हो ना। मैं आपसे पूछता हूं, आपने किसी के लिए सर्वस्व किया और वो आपको थैंक्सफुल ना कहे तो आप उसे क्या कहते हो? तो आप वही हो ना सर, आपने किसी के लिए सब कुछ किया और अगर आपको थैंक्स ना करे, आपको अप्रमाणिकता से प्रेम ना करे तो आप उसे क्या कहते हो? तो मुझे बताना पड़ेगा आप क्या हो। जिस प्रभु ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, जिस प्रभु ने विवेक दिया, जिसने योग दिया, उसके लिए थैंकफुल तो होना चाहिए नहीं? सूर्य को जल चढ़ाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है, यहां तक कि काफी लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, नहीं यकीन है करके देखना। सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं तो ऐसे नहीं टाइम पूरता धड़ हो गया बस, सूर्य को जल चढ़ाना होता है जब पैर के अंगूठे पे खड़ा होना, अपने सिर से इस मुद्रा में रखना, पीतल से आपका जल जब चढ़ता है तो उसके बीच से जो सनलाइट फिल्टर्स होके आती है वो आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ा देती है। निरंतर आप 90 दिन तक करके देख लीजिए, चश्मा उतर जाएगा, लेकिन समय सूर्योदय का होना चाहिए। अब तो सूर्यवंशी है साहब, नौ बजे तक लोग उठते है ना, 5 बजे तो उठने ही भूल गए है ना। अरे वो दिन याद करो, हमारे कृष्ण हमारे राम में इसलिए शक्ति थी क्योंकि सुबह माताएं लोरी सुनाती थी कि जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, दीप जल्दी में चला लो, जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, जागिए ब्रज राज माता ऐसे सुनाती थी कि जागो पंछियों का कोलाहल होने लगा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अब तो पता है सुबह क्या लगा देते हैं लोग, अब दूसरा गीत बजता है कि पीते मिला के लोग हैं पानी शराब में, हाँ फैशन हो गया साहब। ऋतुफल हम देते ना कन्या को, भाव करते हैं कि जैसे जैसे ऋतुओं में यह फल आता है ऐसे मेरे घर में सदैव मंगलकार होते रहे। अब विवाह का टाइम आ गया, मुहूर्त देखा नहीं, गुण मिलाया नहीं है जी, तिथियों का मिलाप नहीं, हनुमान जी को अपने आराधिष्ट कुल देवी के समय पे चढ़ के आ रहा है, एक तरफ तो पंडित जी मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो भी स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो विधि स्वाहा स्वस्थ न पुखा विश्व वेदा, और दूसरी तरफ चल रहा है गंगा जल उन्हीं के लिए। वो कैसे कहते हैं कैमरा वाले भाई साहब, ये 2 लाइन लगाना नहीं है, इतना काट देना, आसानी के लिए बोल रहा हूं कि पीते मिला के लोग हैं पानी शराब में, और मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, आप तो मिला के लोग हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी।
पानी नहीं देता शेखावत साहब तब क्या कहते हैं? मेरे भाई दारू आप नहीं पीते हो, शराब आप नहीं पीते हो, आपको पीता है, लीवर खराब हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, कोलाइटिस अल्सर हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ बहन आती है ना, ये अंगूर की बेटी जब अंदर जाती है ना तो साथ में सिगरेट भी मांगती है, साथ में कुछ और भी मांगती है, तो लंग्स के कार्बन लेवल अनबैलेंस होगा, सीओपीडी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, बहुत सारी चक्कियां आएंगे उसके साथ। अब आखिरी में बच्चे पानी नहीं देंगे तो क्या कह रहे हैं? मुझको तो था बनाना बनाना, मुझको तो था बनाना बनाना, मुझको तो था बनाना, बड़ी शराब की इंसान बना के तूने मेरी मिट्टी खराब की, इंसान बना के तूने पीते आप हो हम भी पिया करते हैं, गिरते हो नजरों से लोगों के आप, हम तो रोज चढ़ा करते हैं, पीने का हमारा अंदाज जो नाम का प्यार है। ऐसा नशा क्या करना जो शाम को पिए सुबह नाली में मुंह मार मार के उतारता रहे, ऐसा नशा करो जो जिंदगी में उतरे ही नहीं, रोज पीते शाम, इन आंखों में वो नशा है, और जब ये पियोगे तो ऐसे हो जाओगे कि वाकिफ नहीं है शायद मेरी नजर के जादू से, वाकिफ नहीं है शायद मेरी नजर के जादू से, एक नजर देख लो तो मुर्दा भी चलना सीख जाता है। भगवान श्री हरि ने अवतारों की बात करी है, चौथा अवतार भगवान ने महाराज कपिल के स्वरूप में लिया, जो सभी सिद्धों के स्वामी हैं। भगवान का पुनः अवतार माताओं ने जब भी मांगा है तब भी भगवान ने दिया है। और छठा अवतार दत्तात्रेय के स्वरूप में लिया, अब आप ध्यान देंगे कि पंचमः कपिलो नामः सिद्धेश काल विलुप्तमः प्रोयचा सुरसांख्यम तत्वग्राम निर्णयम् खष्टे अत्रेरपयत्वं वृत्वः प्राप्तोन अनुसूयया आनविक्षि मालकाय प्रहलादीभ्य उच्यवान्। दत्तात्रेय अनसुईया की बात आती है, सती अनसुईया की बात अगर आए तो ऐसी माताएं होनी चाहिए,
महाराज कपिल के सानिध्य में जीवन गुजारने के बाद तीनों देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए है। अनुसुईया के द्वार पे पहुंच गए। देखिए 24 प्रकार के गुण हैं और 24 ही अवगुण है। अभी जिसे आप प्रेम कहते हैं ना, प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है आप लोगों की समझ में? प्रेम की परिभाषा देखा जाए तो क्या है? हम लोग भी गाते हैं कि जगत में प्रेम एक है सार, लेकिन आज के जमाने में प्रेम यानी क्या आप बताइए? प्रेम किसे कहेंगे? हमने अभी एक पुस्तक लिखी है, व्हाट इज द लाइफ, उसमें हमने प्रेम का विश्लेषण किया है। काफी पुस्तकें लिख चुका हूं मैं, बहुत सुंदर संग्रह मेरी पहली पुस्तक थी गुरु गीता, दूसरी पुस्तक मेरी आई आरोग्य ही जीवन है, तीसरी पुस्तक थी HIV क्या क्यों कैसे और क्या है आयुर्वेद, अभी मैंने लिखा है व्हाट इज द लाइफ, और अभी एक और पुस्तक लिखना चालू किया है जिसकी टाइटल है कि पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड। खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि सन्यास का अर्थ है स्वाध्याय, पठन पाठन चिंतन। उसमें मैंने इस प्रेम का उल्लेख कराया था। प्रेम को मैंने 3 स्तर पे बांटा, आज के मानव का स्वभाव नीचाई की ओर बहने का है, जैसे पानी सदैव नीचे की ओर बहता है, ऐसे मानव उथले हुए स्वार्थ मात्र के लिए, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोग और विलास के लिए कोई भी अनैतिक कार्य को तत्पर हो जाता है, जबकि पानी के गुण को नहीं धारण करता। पानी का गुण है कि शराब में मिलाओ तो दिखाई नहीं पड़ता ना, अलग, दही में अलग दिखता है, सब में मिलता है, लेकिन स्वयं में सदैव पारदर्शी और शीतल रहता है। समभाव है, शत्रु है तो आपकी तृप्ति नहीं करूंगा, मित्र है तो ज्यादा कर लो, ऐसा भी भाव नहीं। ये जल के गुण हमें देखने चाहिए। प्रेम का पहला कारण अभाव। अगर किसी के जीवन में अभाव नहीं है तो उस पे आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ते अभाव, चाहे वो प्रेम का अभाव हो, चाहे उसे समझने वाला कोई नहीं हो, चाहे उसका कोई मोरल सपोर्टर ना हो। जैसे एक रोगी वैद्य से प्रभावित होता है क्योंकि उसकी आस है ये मुझे सही जीवन दे सकता है, और डॉक्टर्स भी, हम लोग जब पेशेंट को ट्रीट करते थे, खैर हमारे यहाँ तो अभी मेरे 3-4 हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, अभी भी मेरे पास सही ढंग से देंगे तो 50 से ज्यादा MD, लेकिन बस वक्त का खेल है, दरवाजे बदल गए, अब नया घर बनाना है। मैं मशहूर रही हमारी कंपनी शिव आयुर्वेदा फार्मेसी, अब हमारी कंपनी का नाम है ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी, ISO सर्टिफाइड कंपनियां हैं, और हम संपूर्ण भारत में क्लिनिकल व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे शिविर लेते हैं, बाद में अपना अस्पताल खोल लेते हैं आयुर्वेद का, जिसमें आदमी का फिजियो भी फ्री, चेकअप भी फ्री,
ड्रिप्स वगैरह भी फ्री, पंचकर्मा फ्री, सिर्फ औषधियों का मूल्यांकन दिया जाता है उनसे। ऐसी एक छोटी सी सोच है, इस पे हम काम कर रहे हैं अभी, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, ऐसे कार्य चल रहे हैं। शायद ऐसा कुछ इस धरती की आवाज हो, क्योंकि जब तक हो जाए बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आकस्मिक क्यों बुलाएं। और अगर आप लोगों का स्नेह रहा तो भाई मैं छोटा हूँ, छोटा ही काम करूँगा, पर ढोंग और पाखंड नहीं कर पाता, ये मेरी मजबूरी है। आपके यहाँ जितने लोगों ने देखा, आप आज देखे, आपने देखा शायद शेखाव साहब, सुबह आपके ही पड़ोसी थे कोई, हाथ भी ऐसे नहीं कर सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे। मेरी माँ भगवती ने मुझे जो तेज दिया है, जो मेरी माँ ने सिखाया है, जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, 13 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, वो आदमी दंड बैठक भी लगाने लगा, चलने लगा और हाथ भी उठा के गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमीरों के तो कई भगवान हैं, थोड़ा सा गरीबों के लिए जिंदगी जीजिए। दीपावली के बाद हम आपके यहाँ जैसी व्यवस्था ठाकुर जी कराएगा, चाहे 5 बेड बोलो, 10 बेड बोलो, या जैसे भी, कुछ समय किराए के ही घर में रहेंगे। बाकी जिसकी कृपा, जिसको सेवा करानी, वो सब व्यवस्था करा लेगा। दीपावली के बाद यहाँ पर परमानेंट ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जन सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा। हमारी एम्बुलेंस, हमारे डॉक्टर गांव-गांव में जाएंगे, जहां कोई नहीं जाता। लिख लो आप लोग, कितना ही खतरनाक ब्रोंकाइटिस हो जाए, कितना ही खतरनाक सीओपीडी हो जाए, जब सांस लेने में दिक्कत आए, खाली खाली भीम सैनी कपूर सूंघ लेना, 2 मिनट में आदमी नॉर्मल हो जाएगा। और उस समय 200 ग्राम तेल सरसों का, 40 ग्राम आजवा, 15 तुलसी के पत्ते, 30 भृंगराज या ब्राह्मी के पत्ते डाल देना, थोड़ी सी हल्दी डाल देना उसमें, और उसको उबाल लेना, उसे चेस्ट पे मसाज करना, सिकाई करना, 2 दिन बाद डॉक्टर साहब से पूछना, डॉक्टर साहब बोलेंगे अब नहीं है। सरसों के तेल में इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं कि जितना पुराना होता है उतना ही पेन खत्म कर देता है। हमने तुलसी डाला है, तुलसी में स्टेराइड है, हमने हल्दी डाला है, हल्दी में स्टेराइड है, और इसके साथ जो वाइंडिंग एजेंट्स जब आते हैं तो एंटी एलर्जिक हो जाते हैं, तो वात और कफ दोनों मर जाता है और आदमी ब्रोंकाइटिस से बच जाता है। बट भारत का दुर्देव है कि हम भारत की सनातन की विद्या को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी पहला भाव था अभाव से ही आपके पास कोई आया है, दूसरा है पार्ट प्रभाव। एक अज्ञानी ज्ञानी से प्रभावित तो होगा, एक निर्धन धनवान से प्रभावित तो होगा, एक रोगी वैद्य से प्रभावित तो होगा,
और जैसे जैसे उसके जीवन में अभाव खत्म होगा, आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसके जीवन से अभाव खत्म हुआ, आपका प्रभाव खत्म। फिर आखिरी में आता है मानव का असली स्वभाव, और उसे दिखाए बिना तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए मेरी कल्पना में सांसारिक प्रेम पिघले हुए बर्फ का पानी हो जाने जैसा है, जो दोबारा पिघलाने से जमाया नहीं जा सकता हो, क्षणिक। इसकी एक छोटी सी कल्पना कथा की तरफ चलेंगे। मैं प्यासा बिंदु, जन्म भर का विश्वास की माँ का नाम आस है, और जब तक किसी की आस पूरी नहीं होगी, अपनी माँ पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, स्वयं पे विश्वास नहीं कर सकता। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से तृप्ति मिलती है, ऐसे सांसारिक मैथुनी जगत के अंदर जब तक माता पिता की इच्छा पुत्रों से पूरी ना हो, तब तक उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं होती।